है। देखिए ये इसका दुपट्टा है और माशाल्लाह से ये बहुत ज्यादा प्यारा, ये जो डिजाइन है ना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई की फ़ेमस चिकन कीमा की रेसिपी, जो कि बनती है मटर में। तो यहाँ पर मैं मटर निकाल रही हूँ, कीमा मैंने वॉश करके रख लिया है, ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान निकाल लिया है जो हमारे कीमे में जाने वाला है। यहाँ पर मैंने दही ले लिया है जो कि हाफ़ कप है, सेपू मैंने ले लिया है जो कि हाफ़ कटोरी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कितनी इसमें जाएगी। तो यहाँ पर जो दो मीडियम साइज़ की प्याज है वो मैं ले रही हूँ, इसको हमें अच्छे से फाइनली चॉप कर लेना है, बहुत बारीक बारीक हम इसको कट करके लेंगे। मैं यहाँ पर ना चॉपर का इस्तेमाल करूँगी तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। और ये जो है ना फ्राइडे नाइट की रेसिपी है जो मैंने शूट किया था, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट हम पहले प्याज को चॉपर में चॉप कर लेंगे और ये जो हमारे मटर हैं इसको भी हम निकाल लेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा ना क्विक रेसिपी बना रही हूँ, चिकन को मैरिनेट करके रखने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, तो फटाफट हाथों हाथ ही हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और हम साथ ही जो है ना बना लेंगे। तो चलिए पहले हम, तो देखिए यहाँ पर मैंने चिकन को भी वॉश करके रखा, प्याज को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। तो अभी हम फटाफट पहले चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर और साथ ही हमारा जाएगा इसमें नमक, जो कि हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, और साथ ही जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है और यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज, इसको हमें ब्राउन करना है। तो ये देखिए बस इतना सा हमें ब्राउन करना है, एकदम डार्क नहीं करना है, डार्क करेंगे तो जो हमारे कीमे का कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए हल्का सा इसको हम ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा है वो हम यहीं पर डाल देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा तो टेस्ट और अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कीमे को रख दिया है पकने के लिए, तो उसका जो पानी है ना वो हम ड्राई होने देंगे। और अभी हम यहाँ पर पीस रहे हैं ग्रीन मसाला, जो कि उसमें था कोथमीर, पुदीना और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। तो अभी यहाँ पर चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है दही। दही डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून एंड धनिया पाउडर 2 टीस्पून। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करके अभी हम पकने के लिए इसको छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ऑन लो फ्लेम। तो ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर डालने के बाद इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है, और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो हमने ग्रीन मसाला पीस के रखा है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ग्रीन मसाले को आप जब का जब पीस कर डाल दीजिएगा, अगर आप पहले पीस कर रखेंगे ना तो इस तरह से मसाला थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, इसलिए आप जब डालना होगा तभी इसको पीसिएगा। मैंने आपको बताया थोड़ा सा आज मैं जल्दबाजी में हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले ही पीस के रख दिया था, पहले यानी कि सिर्फ 2 से 3 मिनट पहले पीसा था। और साथ ही मैंने यहाँ पर मटर ऐड कर दिया है, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैंने इसको ढक करके रखा था कुक करने के लिए, और ये देखिए 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया है, तो हमारा कीमा और मटर अच्छे से गल गए हैं। मैंने आपको बताया था कि फ्रोज़न मटर अगर होते हैं तो वो जल्दी गल जाते हैं, ये फ्रेश मटर थे तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो और थोड़ा सा इसमें जो है ना मुझे लग रहा है कि गलने के लिए और थोड़ा सा टाइम चाहिए इसको, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने सेपू कट करके रखा है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और मैंने डाल दिया है गरम मसाला और हाफ लेमन जूस। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम फिर से 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी पतली रखनी है तो आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चिकन कीमा है, ग्रीन चिकन कीमा विथ मटर बनकर के रेडी हो गया है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 10:45 हो रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा अपनी सफाई में लग रही थी, तो जो मेरी बेसिक सफाई है ना वो हो गई है, और अभी मैं जा रही थी किचन क्लीन करने के लिए। आवाज़ें आ रही है बाहर से, तो यहाँ पे अच्छी लाइट आ रही है, वाह माशाल्लाह।
तो मैं जा रही थी किचन क्लीन करने के लिए, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे बेसिक काम है ना वो तो होते रहेंगे लेकिन व्लॉग नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले आपसे बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम अपने काम करेंगे। तो अभी मैं फ़्रेश नहीं हुई हूँ, मुझे फ़्रेश होना है, लेकिन उससे पहले ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। मुझे आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना था, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना कपड़े पड़े हुए हैं, अभी जस्ट मैंने कपड़े निकाले हैं और अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ कपड़े रखे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी ना सफाइयाँ चल रही हैं, मतलब सफाई चल रही है मेरी, दो तीन दिन से मैं थोड़ा सा सफाई में लगी हुई हूँ। परसों जो है ना मैंने हॉल साफ़ कर लिया था, नहीं दो दिन पहले मैंने हॉल की क्लीनिंग की थी, और परसों मैंने बेडरूम की क्लीनिंग की है, और कल मैंने जो है ना छुट्टी ले ली थी क्योंकि कल फ्राइडे था और आज सैटरडे है, तो इंशाल्लाह आज जो है ना थोड़ा सा जो किचन की क्लीनिंग है, जो डीप क्लीनिंग है, वो मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कुछ कपड़े जो मैंने मीशो से मंगाए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और ये जो कपड़े हैं और ये जो क्लोथ्स हैं ये ड्रेस मटेरियल में है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे हम लेडीज़ को ना ड्रेस मटेरियल वाले कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, और ड्रेस मटेरियल लेने के लिए जो है ना हमें प्रॉपर शॉप पर जाना पड़ता है, लेकिन आपको ऑनलाइन अच्छे ड्रेस मटेरियल मीशो पर मिल सकते हैं। तो मैं आपको ना पहले दिखा देती हूँ कि कौन से मैंने अभी सूट्स मंगाए हैं जो मुझे स्टिच करने के लिए देने जाना है, टेलर के पास ही मुझे जाना है, तो इंशाल्लाह मैं शाम में जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने बच्चों को ना दोपहर में बुलाया है, 2 बजे बुलाया है, तो शाम में मैं फ्री हो जाऊंगी, तो इंशाल्लाह मैं शाम में जा करके टेलर को अपने कपड़े दे दूंगी। तो देखिए जोहेब ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए जोहेब ना कुर्सी ला के खेल रहे हैं, ये कुर्सी से ना बस रगड़ते फिरते हैं, चलो हटो, और अभी आवाजें आएंगी जोहेब की, चलो हटो हटो, चलो हम कपड़े दिखाएंगे आप, चलो आज आओ कपड़े दिखाएंगे, ओके चलो चलो जबो आओ आओ। अच्छा बैठो, आप गाड़ी पे बैठो, बैठो गाड़ी पे बैठो, बैठो जबो बैठो, वाओ वाओ वाओ, जहेब की गाड़ी, घुमा करो घुमा घुमा करो, बूम बूम बूम। अच्छा बैल तो बज रहा हो, बताओ इधर से बताओ, बाय मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ जाओ चलो उधर जाके खेलो, जाओ चलो बाय बाय। तो अभी ये बिजी हो गए हैं अपने काम में, और किसको मैं ना मतलब मेरा वेट गेन हुआ है नहीं हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में, मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा बहुत तो वेट गेन हुआ है, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मुझे उससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, तो इंशाल्लाह मैं फिर से कोशिश करूंगी कि फिर से मैं अपना वेट कम करूँ। तो खैर चलिए इन बातों को हम साइड में रखते हैं, फिलहाल मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहला सूट मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मंगाया है अपने लिए, तो देखिए ये मैंने मीशो की इसमें जो पैकेट है वो भी नहीं निकाला है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना रिटर्न करा दूँ, उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन सूट बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा सूट आया है, इसका दुपट्टा स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो ये देखिए ये इसका दुपट्टा है, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सिर्फ इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क है, तो ये देखिए अगर आपका कलर फेयर है ना तो ये आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यही सोच कर ना मैं सोच रही थी इसको मैं रिटर्न करा दूँ, कल ये मुझे रिसीव हुआ था, तो इसको मैंने ऐसे पैकेट में डाल के रखा था, मैंने सोचा कि पहले हस्बैंड को दिखाती हूँ, अगर उन्हें पसंद आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको रिटर्न करा दूँगी। तो ये ड्रेस हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने उनसे कहा कि ये जो कलर है ना ये मेरे पे सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा कि मतलब कलर सूट करेगा या नहीं सूट करेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लेना, क्योंकि कलर अगर हमारा डार्क होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उसको पहनना छोड़ दें, तो उनकी ये बात मुझे अच्छी लगी, और उन्होंने ये बात ना मुझे डांटते हुए बोला कि ऐसी तो मतलब ऐसे तो ही ना है कि अगर तुम्हारा कलर डार्क है तो तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी, बस ड्रेस अच्छा दिख रहा है तुम सिला लो ये तुम पे अच्छा लगेगा, उन्होंने ये बात कही, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी।
कि उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि ये ड्रेस स्टिच करा लो, अदरवाइज मैं इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने की वजह से इसको रिटर्न करना चाह रही थी। वैसे इसका क्लोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसको मैंने लिया है मीशो से। प्राइस मैं आपको साइड में लगा दूंगी, तो आपको साइड में दिख रहा होगा कि इसको मैंने कितने में लिया है। ये है पर्पल कलर का ड्रेस और यहाँ पर जो है ना मुझे थोड़ा सा ये जल गया था और वो कैसे जला था बताऊँगी। जो थ्री बर्नर वाला गैस होता है ना उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आप जो है ना एक काम करके हटते हो और जब दूसरा काम करने जाते हो ना और जल्दबाजी करते हो ना तो इस तरह से लग जाता है। तो ये मेरे यहाँ पे जस्ट ऐसे ही ना कुकर का लग गया था तो वो अच्छा खासा इसका निशान बन गया है अभी। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, ड्रेस देख लेते हैं। और ये ड्रेस ना मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये है पर्पल कलर का ड्रेस, इसका मैं आपको बॉटम दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है इसका बॉटम, लाइनिंग में इसका बॉटम है और ये प्योर मुझे लग रहा है कॉटन का है। और इसका ये दुपट्टा है, माशाल्लाह से दुपट्टा ही बहुत प्यारा लग रहा है। और ये मैंने मंगाया है अम्मी के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अम्मी को ये कलर पसंद आएगा नहीं आएगा, मैंने मंगा लिया है। तो देखते हैं अगर अम्मी को पसंद आएगा तो अम्मी स्टिच करा लेंगे। और ये है मेरा नेक्स्ट ड्रेस जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसको मंगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं जो है ना इसको स्टिच करा रही हूँ। ये इसका टॉप है जो कि कुछ इस तरह से है, इस पर जो है ना फॉइल प्रिंट है और ये जो डिज़ाइन है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसलिए मैंने इसको मंगाया था। और ये है इसका बॉटम और इसका दुपट्टा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो शिफॉन का इसमें दुपट्टा है जो कि बहुत सॉफ्ट है और इसके साइड से जो है ना इस तरह से जो बॉटम का क्लोथ है ना वो इस तरह से लेस करके लगाया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये तीनों ड्रेस मैंने मीशो से मंगाया है, प्राइस इसका मैं साइड में लगा दूंगी तो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये वाले ड्रेसेस कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे ड्रेसेस मैंने मंगाए हैं लेकिन वो जो है ना रेडीमेड हैं, तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा वो पार्टी वेयर टाइप में, मतलब उतना हाईफाई पार्टी वाला नहीं, अगर कोई बर्थडे पार्टी वगैरह होगी तो आप पहन सकते हैं, उस टाइप के हैं। अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों से मुझे यही बोलना था कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मैसेजेस आ रहे हैं। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप लोगों ने सबने बोला कि आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा मिस किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने भी आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मिस किया, मतलब मुझे ना बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा था। कुछ दिन तो खैर ठीक है, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब था तो मैं उस चीज़ में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुई। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ, मुझे उस चीज़ का ज़्यादा फील नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उस चीज़ से बाहर निकली और तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मैं आप लोगों को मिस कर रही हूँ, मेरे चैनल को मिस कर रही हूँ, आपके कॉमेंट को मिस कर रही हूँ। सुबह बात मत करो बेटू, तो यहाँ पे सुहेब की बातें चल रही हैं। तो मैंने आपके कमेंट को, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया और आपने ही मुझे मिस किया, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स कंटिन्यूस कल से आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया। तो चलिए फिर इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।